हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो क्लास चल रही है मैथ्स क्लास 11th, ओके, जिसमें कंबाइंड है जेई एनडीए की क्लासेस। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का फुल सॉल्यूशन चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएं, हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखेंगे, इसके पहले मैंने जो कल की क्लास में जो कराया था, थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं। देखिए, कल की क्लास के जो क्वेश्चन थे, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 30 कराया था, जिसमें आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए थी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके कर लिया था। देन इसके बाद में एक मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताई थी बेटा, कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स होता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है, टू से बड़ा होता है। क्या होता है? टू से बड़ा। x प्लस वन बाई एक्स जो हुआ करता है वो बेटा हमेशा टू से बड़ा होता है। इसका मतलब x प्लस वन बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? टू। अगर कोई चीज़ हमेशा टू से बड़ी है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? टू होगी। ओके, देन उसके बाद मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन एनडीए लेवल का, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन और टेन फाइव इक्वल टू दिया है, तो थीटा प्लस फाइव इस तरीके से कुछ करना है ना। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 आज बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? कह रहा कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखिए, कह रहा कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव, बिल्कुल सही है भाई। साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से लेकर प्लस वन हुआ करती है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस वन बाई फाइव, सही है। कॉस थीटा की वैल्यू वन, हम जानते हैं कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। अब देखिए, सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना होना टू होना था, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। और कॉस की वैल्यू माइनस वन से लेके प्लस वन हुआ करती है, इसका मतलब कॉस की वैल्यू कभी टू नहीं हो सकती। तो कह रहा कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट यानी कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही आपका आंसर सही है, तो छाटना है सही नहीं तो आंसर होगा सही। तो कौन है नहीं सही? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही नहीं है। तो कैन नॉट सेक थीटा कैन नॉट इक्वल टू वन बाई टू। देन इसके बाद कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ये एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 करने के बाद आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और क्वेश्चन नंबर 35 लगाइए। क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है इसमें? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये बन गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका बन गया? कॉस 2 थीटा का। तो कॉस है 2 है, थीटा के कौन खेल रहा है? 15 खेल रहा है, तो 2 इंटू 15 बोले तो कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है बच्चों? रूट 3 अपॉन 2 हो गया आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये टेट कैटेगरी का यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल कैटेगरी का ऐसा क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन है। ओके, एनडीए लेवल का ये क्वेश्चन है, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा उनमें कुछ दिमाग नहीं लगता है, बहुत सिंपल एक तरीके क्वेश्चन होते हैं, वो एनडीए में पूछ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या भाई, इस क्वेश्चन की तो क्या बात कही जाए, जीरो, बिल्कुल सही। देखते ही क्योंकि बीच में बैठा हुआ है कॉस 90, और कॉस 90 होता है जीरो, और जीरो से जो टकराएगा सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर? जीरो। चलिए अब इसके बाद आते हैं कॉस 37, टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री, टेन थीटा इक्वल टू थ्री एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पूछ कह रहा साइन थीटा, भाई पक्के से साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव हो, क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये टेन थीटा इक्वल टू थ्री, तो टेन थीटा इक्वल टू थ्री से इनले कॉस निकाल लिया, क्या निकाल लिया? कॉस निकाल लिया, है ना, कॉस निकाल लीजिए। आपके जो भी तरीके, आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, और कॉस निकालने के बाद आपने साइन निकाल दिया है। ओके, और माइनस साइन वाला साइन ले लीजिएगा, 3/√10, बिल्कुल सही है, बन गया ना एकदम, यस और नो? ओके, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, ये CUET लेवल में ऐसा क्वेश्चन आता है, जो अल्ट्रा सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं वो CUET लेवल में आते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो ये CUET लेवल में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, बताओ कुछ टेढ़ा है इसमें? बिल्कुल नहीं। तो ये किस में आता है? CUET। हर एग्जाम का एक टेस्ट होता है, पैटर्न होता है, तो ये इस लेवल का क्वेश्चन है। मैं देख के ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम लेवल का है ना। चलिए अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ 1075 माइनस कॉट 75, लो बताओ भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1075 कॉट 75, इसको ऐसा कर लीजिए। ओके, देन इसके बाद माइनस कॉस 2 थीटा बन जाएगा ये, और वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर कितना आगे बढ़ेगा? 2√3, बिल्कुल सही है भाई साहब, बहुत बढ़िया है, 2√3। अब कुछ लोग इसको 1075 और cot 75 की वैल्यू रख के करते हो, भाई बिल्कुल मत करो, उससे केवल तुम्हारा टाइम खराब होगा। क्या होगा? टाइम खराब। भाई इसको से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये देखो 150 में आ गया है, और आराम से सॉल्व करते जाओ, तो कितना आ गया? 2√3। ओके, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए, 2√3,
ठीक है ना। तो ये भी मैं फिर से कहूंगा ये किस लेवल का है, सिंपल क्वेश्चन एकदम CUET सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से ओहो भाई ये तो बताया था मैंने, आपको याद होगा कि 1 रेडियन जो होता है वो होता है 57 डिग्री होता है। वन रेडियन हाँ कुछ नहीं लगा मतलब रेडियन है, तो 1 रेडियन जो होता है वो कितना है 57 डिग्री। और अगर आप साइन का ग्राफ देखते हैं तो साइन उठता ही तो जाता है, यस और नो। तो डिग्री के मामले में यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ पर कहीं पर कितना होगा 57, और 1 डिग्री तो यहीं पर होगा बिल्कुल शुरुआत से, तो 1 डिग्री पर वैल्यू ये आएगी और 57 डिग्री पर वैल्यू ये आएगी, मतलब 57 डिग्री यानी 1 रेडियन। तो 1 रेडियन पर जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि 1 रेडियन 1 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए साइन का 1 रेडियन साइन के 1 डिग्री से क्या होगा बेटा ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर देखो रेडियन कहाँ चमक रहा है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये तो मेरी पहली क्लास का कंसेप्ट है, ओके रेडियन नहीं लगा है, बट याद रखिएगा जितने भी नंबर होते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं लगा होता है रेडियन होते हैं। जैसे हम लोग नंबर पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, वो सारे के सारे की यूनिट क्या होती है रेडियन ही होती है। क्या होती है वो रेडियन। जैसे 22/7 लिखते हैं ना अपन, कुछ नहीं लिखा बट यूनिट क्या इसकी रेडियन है, तो सब रेडियन होते हैं, कोई बात नहीं बिल्कुल सही है। तो ये आ गया इसका आंसर भाई साहब। चलो तो ये भी बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन, तो पक्का ये CUET के कोटे में जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपने कल मेरी क्लास ली है तो ये क्वेश्चन आपको बन गया होगा। टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू दी गई है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब टेन अल्फा बीटा पर अप्रोच करो, और टेन अल्फा बीटा सॉल्व करने पर सारा का सारा आपको सॉल्व करते जाना है, और वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 5/4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके और ये क्वेश्चन जाएगा NDA लेवल के कोटे में। ओके तो ये जो है आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x + 4 sin x + 8। अब ये मैंने आपको बताया नहीं था, अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x + 4 sin x + 8, तो इस क्वेश्चन को क्रॉप करके चलते हैं मैथ्स लैब में और करेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चों ये देखिए, तो पहले आपका इसका कंसेप्ट नोट कर लो, इसका एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ बच्चों। कंसेप्ट क्या है, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है a cos x + b sin x की फॉर्म का, a cos x + b sin x की फॉर्म का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि a cos x + b sin x जो होता है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो -√a² + b² से मैक्सिमम वैल्यू +√a² + b² तक चलती है। अब आप कहोगे ए क्या है बेटा, ये कोफिशिएंट जो होते हैं ए और बी होते हैं, मैं तो देखूंगा भी नहीं कि कौन साइन का है कौन कास का है, क्यों, क्योंकि दोनों तो बैठे हुए हो। अब जब दोनों बैठे हुए तो मुझे छाटना क्यों, बोलो हाँ या ना, यस और नो, हाँ तो यस, तो ये मुझे लेकर के आना है, क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला इसका नोट कर लीजिए, a cos x + b sin x है ना, a cos x + b sin x की ये मिनिमम वैल्यू हो गई, और ये कौन सी वैल्यू हो गई मैक्सिमम, ये मिनिमम वैल्यू है लेफ्ट में और राइट में है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ चल रही है, तो जो वैल्यू लेफ्ट में आएगी वो मिनिमम पे सेट होगी और जो वैल्यू राइट पे आएगी बच्चों वो मैक्सिमम पे सेट हो जाएगी। ओके यस चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो फिलहाल तो यही क्वेश्चन हमको करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x + 4 sin x + 8। आओ भाई साहब इसको कैसे किया जाए, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x + 4 sin x + 8। देखो मिनिमम बोल रहा है तो 3 cos x + 4 sin x + 8। देखो भाई साहब क्या कह रहे, ये कोई फंक्शन है आपका, ये फंक्शन दिया जाता है, जो भी क्वेश्चन होता है उसको फंक्शन मान लो। अब कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम कब होगा, जब ये सबसे कम होगा भाई, ये तो 8 है ना, 8 तो कुछ कम नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, 8 कुछ कम नहीं होगा। जैसे मान लो आपके दो पॉकेट हैं बॉडी में, ओके आपने पेंट में दो पॉकेट है, एक लेफ्ट पॉकेट है और एक राइट पॉकेट है, ये सुनो, आपने लेफ्ट पॉकेट में 8 रुपये रोक रखे हैं, कितने रुपए 8 रुपये, और यहाँ पर कुछ पैसे हैं, मैं कहूँगा बताओ आपके पास टोटल पैसे कम से कम कब होंगे, तो भाई ये तो कम हो नहीं सकते हैं, ये वाले पैसे अगर कम होंगे तो टोटल पैसे कम होंगे, और ये वाले पैसे अगर ज़्यादा होंगे तो टोटल पैसे ज़्यादा होंगे, तो अपन को इसको कम करना है, तो अपन सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू -√a² + b² तो a क्या है 3 का स्क्वायर 9, 4 कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो कितना आ गया √25, वो भी निगेटिव वाला, बोलो कितना हुआ -5। यस तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू सेट हो रही है
वो कितनी सेट हो रही है, माइनस फाइव। और मिनिमम क्यों चाहिए, क्योंकि टोटल की मिनिमम चाहिए, इसलिए इसकी मिनिमम चाहिए। अगर मैक्सिमम चाहिए होती तो प्लस फाइव लेते, और मिनिमम चाहिए तो माइनस फाइव लेंगे। तो चलिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तैयार। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस का फाइव और प्लस का एट, आंसर कितना हो गया थ्री। और अगर यहीं पर मैक्सिमम वैल्यू बोला होता बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू को ले लेता मैं प्लस का फाइव और प्लस का कितना एट, आंसर कितना बनता थर्टीन। तो ये आ गया हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी बन गई भाई साहब, थ्री इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, थ्री इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए, यस आंसर माइनस फाइव प्लस एट इक्वल टू कितना थ्री, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए टेन थ्री ए, अगला क्वेश्चन है टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए माइनस टेन ए के इक्वल क्या होगा। तो ये बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको मैंने टेन आप थ्री ए टाइप का कराया था मैंने, थ्री इक्वल टू टू ए प्लस ए। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, और टेन थ्री ए माइनस टेन ए माइनस टेन इक्वल टू टेन थ्री ए इंटू टेन टू ए इंटू टेन, यदि आपने किया है तो टेन थ्री ए इंटू टेन टू ए इंटू टेन ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ओके, अगेन ये क्वेश्चन जाएगा एनडीए लेवल में। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन जो भी मैंने कराया, ये सीयूटी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सीयूटी में आते हैं, बाकी एनडीए जेई में जाते हैं। चलिए क्लियर हो गया। तो इसमें क्या करना था, सिंपल थ्री इक्वल टू ए प्लस टू ए करके आइडेंटिटी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। लियो भाई, तो वैल्यू रख दो, क्या रख दो, वैल्यू रख दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस ए लगा दिया, सब कुछ कर दिया, आंसर कितना हो गया जीरो। बहुत शानदार, इसका आंसर क्या होगा, जीरो। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वाला है, सीयूटी कैटेगरी में जाएगा ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। ओके, कॉट पाई बाई फोर प्लस थीटा कॉट पाई, फिर से फॉर्मूला लगा दो यार, कॉट ए प्लस बी का है ना, कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए माइनस बी का। बीच में एक मिनट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, बीच में माइनस लगा है। क्या लगा बेटा, माइनस लगा यहाँ पे, है ना, है ना, लगा है कि नहीं लगा है। एक मिनट, माइनस नहीं नहीं डॉट ही है, बिल्कुल नहीं, माइनस नहीं है, बिल्कुल माइनस नहीं है, डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे डॉट है मतलब ये प्रोडक्ट है, मतलब क्या ये प्रोडक्ट है। चलो, तो खैर दो फॉर्मूले लगेंगे, एक पहले लगेगा कॉट ए प्लस बी और दूसरा लगेगा कॉट ए माइनस बी। तो ये देखिए कॉट ए प्लस बी लगा दिया और कॉट ए माइनस बी, तो नीचे कॉस थीटा प्लस वन और नीचे कॉट थीटा माइनस वन, कैंसिल हो गया भाई, मड़े मजे से आंसर कितना आ गया, वन आ गया। चलो इसी बात पर एक फॉर्मूला पूछ लिया जाए, जल्दी से बताइए कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला बिना देखे बताइए क्या होता है। हाँ, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, नॉट कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो बच्चों फॉर्मूला ध्यान से याद कर लें, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन, और नीचे आता है कॉट ए प्लस कॉट बी, और इधर कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस वन, और नीचे आता है कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है ना। यस, एक थोड़ा सा इसको चेक करो बेटा, अपने बुक में चेक करो क्या ये सही दिया है, कॉट ए माइनस बी, मुझे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रही है, यहाँ पे बुक निकालिए। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉट बी माइनस कॉट ए होना चाहिए डिनोमिनेटर में। चलिए चेक करिए पहले कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, चेक करिए सभी लोग। हाँ, तो बच्चों यहाँ मैंने चेक कर लिया है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पर बुक वालों से, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं है, कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए कॉट बी को मैं पहले लिखता हूँ, कॉट ए को बाद में लिखता हूँ, डन। बहुत बढ़िया बच्चों, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉस टू थीटा कॉस टू फाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई और साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या होगा। देखो भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, सबसे पहले इसको तो हाथ मत लगाओ, इसमें लगा दिया आपने ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर कितना आ गया साइन टू थीटा साइन टू फाइव। ओके, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, तो कॉस टू टाइम्स थीटा प्लस फाइव। बताइए सही है कि गलत है। देखिए यहाँ पर आपके पास बीच में माइनस यूज़ होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखिए, एक मिनट जी, देखने वाली बात है। हाँ, यहाँ पर सॉल्व करने की बात है, देखने वाली, देखिए कैसे आया माइनस, समझिए इस चीज़ को। ये फाई से फाई कैंसिल हो गया तो साइन टू थीटा हो गया, और यहाँ पर जो है थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस साइन माइनस टू फाई। जो बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो अपनी कॉपी में देखें, माइनस साइन टू फाइव बचा कि नहीं बचा, बचा ना। तो ये जो माइनस साइन है बच्चों, ये आगे आ जाएगा, तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फुल टू एनडीए कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलिए डन, एनी प्रॉब्लम?
ओके, तो आंसर हो गया इसका कॉस टू थीटा प्लस फाइव। फिर क्या फॉर्मूला लग गया है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला था, कॉस ऑफ ए प्लस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू फाइव, जिसको अल्फा ले लो आप, तो टू कॉमन ले लो, थीटा प्लस फाइव। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके ओके ओके, हाँ देखिए, कॉस 12, कॉस 84, कॉस 156, कॉस 132। आगे चलने के पहले मुझे एक बार लग रहा है कि मैं पेयर बना करके देख लूँ कि शायद कोई ऐसा पेयर बन जाए जो मेरे कुछ काम का हो, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि कॉस सी प्लस कॉस डी का ये फार्मूला लगने वाला है। ये बात पक्की है कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगने वाला है। जरा इसका मैं पेयर बनाऊं तो क्या करा करूँ, यहाँ से 84, यहाँ से 132, तो 84 और 132, तो 4 और 2 6, 8 और 3 11, और यहाँ पे 216। नहीं नहीं कुछ काम नहीं हो रहा इससे, है ना, ठीक है चलिए इसको करते हैं। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ने के सबसे पहले इस क्वेश्चन की कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ, ये है जेईई मेंस का क्वेश्चन, ये इस लेवल का क्वेश्चन है। और तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को मैं कैटेगराइज करूंगा आरबीई, फाइव स्टार क्वेश्चन रीड बिफोर एग्जाम से, मतलब जबरदस्त अप्रोच लगनी है और घर से ध्यान रख करके इस क्वेश्चन को आपको जाना है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको बनेगा, अदरवाइज आप घूम जाओगे। तो अब आप पेयर बनाओगे, सबसे बड़ी समस्या है कि आप पेयर बनाओ तो किसका पेयर बनाओ। ओके सबसे पहली प्रॉब्लम है कि पेयर बनाओ तो किसका पेयर बनाओ। तो आप चारों पेयर बना करके, किसके पेयर, आपके पास कौन कौन से एंगल हैं, 12 है, 84 है, 156 है और 132 है। आप इसमें अदल बदल करके सारे कॉम्बिनेशन बना करके देख लो, मतलब 12 और 156 ले लो, और जब 12 और 156 लोगे तो एक पेयर किसका बनेगा, 84 का, 132 का। फिर आप 12 और 84 ले लो, और अगर 12 और 84 ले रहे हो तो एक कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, 156 और 132 का। और अगर 12 और 132 ले रहे हो तो एक कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, 84 और 156 का। तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब तीन कॉम्बिनेशन में एक में ऐसा कुछ लगेगा कि कुछ कॉमन आ सकता है, वही आपका कॉम्बिनेशन आपको कराएगा, ठीक है ना। तो अब मैंने वैसे आपको रफ में आप कर लीजिए देख करके, मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। तो अपन कौन कौन से पेयर सामने लेंगे, यहाँ पे 12 और 156 आप सामने ले लीजिए। तो चलिए 12 और 156 को सामने ले लीजिए, यहाँ पे 156 कर लीजिए। तो लिखिए अपनी कॉपी में, कॉस 12 प्लस कॉस 156 एंड कॉस 84 प्लस कॉस 132, दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए कॉस सी प्लस डी का, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 एंड 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, दोनों में फॉर्मूला लगाइए। ओके अब देखिए बच्चों, एक जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अब आप कहोगे सर ये तो चारों मैच नहीं हो रहे हैं, हम तो घबरा गए कि चारों मैच नहीं हो रहे। तो बच्चों टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, आप देखो कि क्या ऐसे कोई दो एंगल हैं जो 180 बना रहे हैं। तो देखिए 72 और 108, जरा दोनों को जोड़ करके देखिए, जरा दोनों को जोड़ करके देखिए, तो 72 और 108 क्या बना रहे हैं, 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 180। हाँ मतलब इन दोनों की मदद से आपका जो एंगल है कॉमन वाला निकलने वाला है। तो ये देखिए, मैं जो 180 और 72 की बात कर रहा था, उसका मेरा कहने का मतलब यही है कि ये 180 बना रहे हैं। तो चलो आ जाओ फिर, तो आपने लगा लिया फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ऐसा 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 हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए, कॉस 72 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 18, और कॉस 108 को लिख सकते हैं 90 प्लस 18 और कॉस 24, रहने दो भाई, कॉस 84 कॉस 90 माइनस 18 बोले तो साइन 18 और माइनस, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 2 साइन 18 और ये हो गया कॉस 24। अरे क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से साइन 18 कॉमन ले लीजिए, तो कॉस 84 माइनस 24 बन गया 100। सी प्लस सी माइनस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये लगा दीजिए फॉर्मूला। तो क्या आ गया, कॉस 18 है ना, कॉस 18 सॉरी साइन 18, 2 साइन 18, 2 टू जो 4 हो गया, ये 2 2 4 हो गए, साइन 54 और साइन 30, साइन 18 साइन 54 साइन 30 माइनस 4, ये बाहर वाला है। साइन 18 मैंने आपको कराया है कि नहीं कराया बताइए, साइन 18 होता है अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, तो साइन 18 की वैल्यू ये है
साइन 54 यानी कि कॉस 36, और कॉस 36 आप लोग जानते हैं रूट 5 + 1/4 होता है ना, रूट 5 + 1/4, और ये कितना है 1/2 है ना। तो चलिए कर दीजिए सॉल्व, तो 4 इधर चला गया, रूट 5 - 1 रूट 5 + 1 क्या हो जाएगा 1/4, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो 5 - 1 यानी कि 4 और -4 हो गया अपॉन 8, आंसर कितना आ जाएगा -1/2। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना, और अपने दिमाग को आपके मन को चौकन्ना करने वाला एक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। और इसमें देखिए क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, इसमें परेशानी में इसमें 3 कंसेप्ट एक साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 1, पहले अरेंज करना है, पहला झटका क्या है, अरेंज करना। दूसरा झटका कॉमन लेना, साइन 90+ थीटा लगा करके कॉमन लेना है, ठीक ना। तीसरा और सबसे बड़ा झटका, साइन 18 की वैल्यू रूट 5 - 1/4 और कॉस 36 में कन्वर्ट करके साइन 54 को, क्योंकि साइन 54 कितना होता है कॉस 36 इक्वल टू रूट 5 + 1/4। तो कई सारे झटके हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत अपने आप में उम्दा अच्छा बन जाता है। चलिए दोस्तों, तो करिए इस क्वेश्चन को, मजे उठाइए इस क्वेश्चन के। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन बच्चों, इफ 10a = 1/2, 10b इक्वल टू इतना, देन 10 2a + b। वाह भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, केवल डरवाने की कोशिश है भाई। इसको तो खोल लोगे, आपको केवल 10 2a निकालना है, और 10 2a कितना होता है 2 10a अपॉन 1 - 10 2a। तो देर ना करते हुए सबसे पहले 10 2a निकाल डालो, और 10 2a निकालने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दो 10 2a + b वाला, तो 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b, सारी वैल्यू रख दो, आंसर कितना आ जाएगा 3। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसको आपके सामने है प्रॉब्लम, सॉल्व कीजिए। ओके, लेवल क्या है प्रॉब्लम का, CUET। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 फिर से बजा रहा है घंटी NDA लेवल की, आओ देखते हैं भाई क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ साइन π/10, भाई देसी क्वेश्चन, देसी तरीके, पाई मतलब 180 डिग्री, बाई 10 कर दिया, मजा आ गया 18 डिग्री, कितना आ गया भाई 18 डिग्री। साइन 13π/10, ये है π/10 और ये है 13π/10। ओके, तो 13π/10, तो देखिए सबसे पहले मैं साइन 13π/10 को क्या मैं साइन ऑफ π + 3π/10 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 10π हो जाएगा और +3π/10, यस और नो। तो π + 3π/10, और आपको पता है साइन π + θ = -sin θ, तो कितना हो गया -sin 3π/10। तो यहाँ पर ये बन गया कितना -sin 3π/10, तो माइनस साइन बाहर चला गया, तो ये -sin π/10 पहला और sin 3π/10 दूसरा, बोलिए हाँ। तो sin π/10 मतलब sin 18 और sin 3π/10 यानी sin 54, यस और नो। sin 18 तो आप लोग जानते हो क्या होता है, और माइनस जिंदाबाद √5 - 1/4, और sin 54 यानी cos 36, और cos 36 होता है √5 + 1/4, यस और नो। तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, a + b a - b - 12 है, a² - b² 5 - 1/4 कितना बच्चों 16, आंसर -4/16 बोले तो कितना -1/4 इज द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, बनाइए इसको NDA लेवल का क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से NDA लेवल का सुपर क्वेश्चन, कैसे करते हैं देखिए, sin 50 - sin 70 - sin 10, फिर से कुछ ऐसी जोड़ी बनाओ कि काम कर जाए। तो देखो अगर मैं 50 और 70 को जो साथ में लेता हूँ, तो एक समय 50 - 70 आएगा, कितना 20 आएगा, और अपॉन 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब जोड़ी बन गई, मतलब 50 और 70 को साथ में ले लो। तो क्या फार्मूला लगा दो, sin C - sin D, फार्मूला क्या होता है sin C - sin D का, 2 sin C - D/2 cos C + D/2। तो 50 और 70 पे फार्मूला का दे, 2 sin C - D/2 cos C + D/2 cos 60, sin 10 क्या हो गया कॉमन हो गया, sin 10 क्या हो गया कॉमन, तो sin 10 यहाँ से कॉमन ले ले, देखिए तो क्या बच गया -2 cos 60, तो -2 × cos 60 कितना होता है 1/2, और sin 10 कॉमन आया तो क्या बचा 1 बचा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा -1, ये बच गया 1, दोनों लड़ गए, आंसर कितना 0, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 0। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन,
ओके, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्लास टेंथ लेवल का, एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन, देन वैल्यू ऑफ द साइन टू थीटा, भाई साहब स्क्वायर कर दो, बहुत मजे में कल देखा था अपन ने, तो स्क्वायर कर दिया तो वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू वन होता है, वन प्लस साइन टू थीटा इक्वल टू वन, साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जामिनेशन में इंक्लूडिंग एनटीएससी सीयूईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया, एनडीए में भी इतने बार पूछा गया कि मैं क्या बताऊँ, याद हो गया मुझे क्वेश्चन। ओके, साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो, याद रखिएगा वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा पूछी तो जीरो आएगा, इसका सोल्यूशन नहीं बोला है। अगर आप इसका सोल्यूशन बोलते तो मैं बोलता साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो, यानी साइन टू थीटा इक्वल टू मैं लिखता साइन एन पाई, बोले तो टू थीटा इक्वल टू एन पाई, यानी थीटा इक्वल टू कितना एन पाई बाई टू। इसके पहले एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी कर रखा है ना, मगर ये वो नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, देन द वैल्यू ऑफ वन प्लस टेन अल्फा इन टू वन प्लस टेन बीटा। ओके, तो वन प्लस टेन अल्फा निकालना, वन प्लस टेन बीटा, तो क्या करो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई फोर लेके इसको सीधे फॉर्मूला लगा दो, तो अल्फा की प्लस बीटा की जगह कितना पाई बाई फोर, फॉर्मूला टेन अल्फा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, इसको इधर ले जाओ, है ना, तो टेन अल्फा हो गया ये। अब देखिए आपको कहना का है वन प्लस टेन अल्फा वन प्लस टेन बीटा, ये वैल्यू चाहिए, इसको खोल डालो, इसको क्या कर डालो, खोल डालो, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे वन प्लस टेन अल्फा वन प्लस टेन बीटा को, तो वन वन इंटू वन वन, फिर ठीक है ना, वन इंटू वन कितना हो गया वन हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, हाँ फिर क्या आएगा, प्लस टेन अल्फा आएगा प्लस टेन बीटा आएगा, प्लस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, देखिए ये खुली हुई है, ये वैल्यू रखी हुई है क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं सीधे यहीं से सॉल्व करता हूँ। तो चलो भाई इसी को मैं उठा लेता हूँ, तो वन टेन वन प्लस टेन अल्फा वन प्लस टेन बीटा किसके इक्वल है, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा वन प्लस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। बेटा देखो यहाँ से टेन अल्फा प्लस टेन बीटा हमने सॉल्व करके कितना निकाला है, प्लस वन माइनस, बोलो निकाला कि नहीं निकाला, और फिर ये वाली वैल्यू रख दो बीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वन प्लस वन फाइनली बचा कितना टू बचा, कितना बचा टू। तो अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई फोर है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, टू के इक्वल, किसके इक्वल आ रही है टू के इक्वल, एनी प्रॉब्लम। तो इसकी वैल्यू जो आ गई है किसके इक्वल आ गई है टू के इक्वल, ये देखिए यहाँ पे आंसर कितना है टू है। बहुत मस्त क्वेश्चन, फुल टू एनडीए लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया। ओके डन गाइज, चले आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सीयूईटी एंड एनडीए लेवल का प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू माइनस फोर बाई फाइव है एंड थीटा लाइंग इन सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, 180 से, और जाता कहाँ है 270 तक, यहाँ तक जाता है। तो अगर थीटा आपका 180 से लेके 270 तक जाता है तो ठीक है, मतलब साइन थीटा क्या होगा निगेटिव है, यहाँ पे कॉस भी क्या होगा निगेटिव होगा, साइन भी निगेटिव कॉस भी निगेटिव टेन पर, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाई टू, तो आपसे थीटा बाई टू पे पूछ रहा है, तो सबसे पहले थीटा बाई टू कहाँ लाई कर रहा पता कर लो। तो बेटा 180 का आधा कर दो कितना हो गया 90, और 270 का आधा कर दो 2 बन जा 2, 3 जा 6, 5 जा 10, मतलब थीटा बाई टू की वैल्यू 90 से लेके 135 है, मतलब भाई साहब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, किसमें है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होगा मगर कॉस क्या होगा नेगेटिव। तो फिलहाल आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस थीटा बाई टू की, किसकी चाहिए कॉस थीटा बाई टू। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन थीटा का यूज करके हमको निकालना पड़ेगा कॉस थीटा बाई टू। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, याद देखिए, सबसे पहले साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल लो, क्या निकाल लो कॉस थीटा, तो फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए साइन थीटा दिया गया है, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए निगेटिव साइन वाला लेना पड़ेगा, पॉजिटिव मत ले लेना, निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि थीटा किस में है थर्ड में, इसलिए कॉस थीटा निगेटिव आएगा। अब कॉस थीटा का यूज करके आप कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू निकालो, क्या निकालो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो लगा दीजिए भाई साहब, तो वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहां से वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो चलिए इससे लगा दे, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, कोई नहीं, तो अपने पास कॉस थीटा तो है, तो वन माइनस थ्री बाई फाइव इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई
टू, तो फाइव बन जा फाइव पाइन स्थिर कितना होगा, टू अपॉन फाइव इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, मतलब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू हो गया कितना वन अपॉन फाइव, तो कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर वन अपॉन अंडर रूट फाइव। अब दो वैल्यू आई, एक प्लस की और एक किसकी माइनस की, सॉरी थीटा बाई टू। तो आपको अभी मैंने बताया था कि थीटा बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा बताइए प्लस वन बाई रूट फाइव की माइनस वन बाई रूट फाइव, माइनस वन बाई रूट फाइव। तो याद रखिएगा यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगा, क्योंकि हाफ एंगल में कहानी को ले जाना था, तो हमने फॉर्मूला लगाया है वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। याद है फॉर्मूला, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को हाफ एंगल में ले जाने का फॉर्मूला अपन ने लगा दिया है। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, फुल टू एनडीए का डिग्री का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फिर से बहुत ही बढ़िया एनडीए का डिग्री का, ओके एनजेई मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है, फिर से करते हैं सॉल्व इसको। देखिए कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, भाई अच्छे से पढ़ना, सॉल्यूशन नहीं पूछा है, सॉल्यूशन के नंबर पूछा है ना। जैसे मैंने पूछा तुम्हारे कितने भाई हैं तो तुम उनके नंबर बताओगे, और मैंने पूछा तुम्हारे भाई कौन कौन है तो उनके नाम बताओगे। तो जैसे मैंने नंबर पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स, मजा आ गया, टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स को वन अपॉन कॉस एक्स, ये देखो भाई साहब। और एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, वन प्लस साइन एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, रूल एक ही चीज़ है, सारी कहानी को साइन में ले जाओ, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन में, बोलो बन गया, पूरा का पूरा साइन में कहानी चली गई। और साइन में कहानी की जाने के बाद इसके आपको इसको सॉल्व कर लिया, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, और साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन, बहुत बढ़िया, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब देखो आइडेंटिटी कहाँ से कहाँ तक दी है, जीरो से लेकर टू पाई, जीरो से लेकर टू पाई, तो जीरो से लेकर टू पाई में साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन कहाँ होती है, देखो साइन जीरो जीरो, साइन नाइन्टी कितना वन, साइन नाइन्टी वन, साइन वन एट्टी फिर से जीरो, और साइन टू सेवेंटी कितना बताया था मैंने माइनस वन, तो साइन टू सेवेंटी मतलब कितना थ्री पाई बाई टू, वैसे देखना हो देख लो ग्राफ में, साइन जीरो जीरो, साइन नाइन्टी वन, साइन वन एट्टी जीरो, और साइन टू सेवेंटी माइनस वन, तो पहला आंसर आ गया साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन का कितना टू सेवेंटी मतलब थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू। और फिर इसके बाद साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू, लियो भाई ग्राफ में साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू दो बार आता है, एक आता है कहाँ पर, ये पाई बाई सिक्स पर, कहाँ पर आता है पाई बाई सिक्स पर, और आप कह रहे हैं कि जीरो से लेकर टू पाई है, तो भैया एक और आएगा ना पाई माइनस पाई बाई सिक्स, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, बोले तो कितना फाइव पाई बाई सिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन भाई साहब ने लिखा है कि ओनली टू सोल्यूशन, बट मेरा कहना है कि टू सोल्यूशन नहीं, यहाँ पर थ्री सोल्यूशन होंगे, क्योंकि इंटरवल आपने क्या दिया जीरो टू टू पाई, और आपने सोल्यूशन कितने मांगे हैं, एक माइनस वन है एक वन बाई टू है, तो माइनस वन तो चलिए एक बार ही होगा जीरो से लेकर टू पाई में, होगा ना, बट वन बाई टू तो दो बार हो रहा है, एक ही आ रहा है एक ही आ रहा है, तो दो सोल्यूशन इसके और एक सोल्यूशन इसके, तो आंसर कितना हुआ थ्री सोल्यूशन, तो यहाँ पर टू सोल्यूशन नहीं होगा, बोलिए आंसर कितना होगा थ्री सोल्यूशन। तो नोट कर लो भाई फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया द वैल्यू ऑफ साइन बाई साइन पाई बाई 18, तो पाई बाई 18 मन में बसा लीजिए, पाई बाई 18 कितना होता है 180 अपॉन 18, पाई मतलब कितने डिग्री 180 डिग्री, अपॉन 18 मतलब 10 डिग्री, तो ये कितना लिखा 10, पाई बाई 9 मतलब कितना होता 20, ये 2 पाई बाई 9 मतलब कितना 40, और ये कितना है 5 पाई बाई 18 मतलब 50। तो पहले सबसे पहले इनको डिग्री बदल लिया, तो साइन 10 साइन 20 साइन 40 साइन 50, और फिर मेरा टेक्निक क्या था ऐसे जोड़े बनाओ कि काम में आ जाए, तो अगर 20 के साथ 40 करो तो 40 और 20 कितना 60, 60 का आधा 30, और 50 और 10 को साथ में लो 50 और 10 60, 60 का आधा 30, मतलब किसकी किसकी जोड़ी बनेगी 10 की 50 के साथ बच गई यस और नो, और 20 की किसके साथ 40 के साथ, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर सॉल्व होकर के आ गया 2 साइन 70 कॉस 60 प्लस 2 साइन 80 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1 बाई 2, और यहाँ भी कितनी 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, बच गया क्या केवल साइन 70 और साइन 80, तो साइन 70 साइन 80, 70 डिग्री का मतलब कितना होता है भाई 10 डिग्री कितना होता है 10 डिग्री होता है पाई बाई 18, और 10 का 7 गुना तो 7 पाई बाई 18, और 80 डिग्री कितना होता है पाई बाई 9, पाई बाई 9 80 डिग्री, ठीक ना, तो 80 डिग्री होता है सॉरी पाई बाई 9 मतलब कितना होता है अपने पास में पाई बाई 9, आपके पास में 80 डिग्री नहीं, कर लेते हैं इसको पाई बाई 9 यानी कि 20 डिग्री कितना होता है ओके
तो यहाँ पर हमको 80 डिग्री चाहिए, तो 80 डिग्री का कितना होगा, चार गुना, कितने गुना, चार गुना, तो कितना आएगा साइन 4π/9। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो डायरेक्टली बदल लो, डर लग रही है अगर आपको तो आप बदल लो मेरे वाले मेथड से डिग्री टू रेडियन, बट एक आइडिया लग जाता ना, 70 मतलब 10 डिग्री का कितने गुना, सात गुना, और 80 मतलब 20 डिग्री का कितने गुना, चार गुना, तो 20 डिग्री समझ लीजिए, 20 डिग्री कितना होता है π/9, और 10 डिग्री कितना होता है π/18, तो π/18 का सात गुना क्योंकि 70 है, और ये कितना है 8, यानी 20 डिग्री का चार गुना।